नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आज है 13 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ेगी आईटी कंपनियां, रोजगार के लिए नहीं जाना होगा बाहर, आईटी कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अशोक कुमार के। बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं अशोक कुमार। अपने करियर में 300 से फिल्में कर चुके हैं अभिनेता अशोक कुमार। अंचल कार्यालयों की होगी समीक्षा, मुख्य सचिव जय सिंह ने दिए निर्देश, भूमि सुधार कार्यों में आएगी पारदर्शिता। धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, सीएम नीतीश ने किया रावण का दहन, सैकड़ों की संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। डेबिट कार्ड खो जाने पर करे ये उपाय, कार्ड को तुरंत करे ब्लॉक, डेबिट कार्ड चोरी की करे रिपोर्ट। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए जारी की गाइडलाइंस, छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य, स्कूलों को रखना होगा अटेंडेंस का रिकॉर्ड। एमएस धोनी ने बदला लुक, धोनी का नया लुक वायरल, आईपीएल 2025 में नजर आएंगे धोनी। अब खबरें विस्तार से। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 336 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया बीते 9 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 8 नवंबर 2024 है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं आईटीआई, 12वीं डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या बीएससी की डिग्री प्राप्त की है तो ये अवसर आपके लिए है। आपकी आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में आईटी कंपनियों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति के तहत बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में जल्द ही बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे प्रमुख आईटी हब में रोड शो आयोजित किया जाएगा। इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य आईटी निवेशकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। बता दें कि हाल ही में लागू की गई आईटी नीति 2024 के तहत राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए कई आकर्षक सुविधाएं प्रदान की हैं। इसमें 30% पूंजी निवेश सब्सिडी, 10% ब्याज अनुदान सब्सिडी, 50% लीज रेंटल सब्सिडी, 25% बिजली बिल सब्सिडी और रोजगार सृजन सब्सिडी शामिल है, जहां प्रति कर्मचारी प्रति माह 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बिहार के अभिनेता अशोक कुमार की बात होगी। बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार की आज 112वीं जन्मदिन है। 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में दादा मोनी में उनका जन्म हुआ था। अशोक कुमार ने अपने करियर में करीब 300 फिल्में की हैं। अशोक कुमार की पहचान एंटी हीरो के रूप में हुई थी। उन्होंने किस्मत में एंटी हीरो का किरदार निभाया था। उन्होंने तबला भी सीखा हुआ था और रेखा की फिल्म खूबसूरत में उन्होंने बाकायदा बोलो के साथ तबला प्ले किया था। अशोक कुमार को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की मेजबानी के लिए गया जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और भारत की टीमों के खिलाड़ी और उनके साथियों को बोधगया में होटल हयात पैलेस और द बुद्धा रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। इस बार विभिन्न देशों से आने वाली टीमों के लिए उनके देश के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस भी इन खिलाड़ियों की सुरक्षा को कर सजग है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने रिसोर्ट में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर से गांव तक कई स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया। वही राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी बीते दिन 80 फीट के रावण का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला इको फ्रेंडली पटाखे से जलाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने रावण दहन किया। इस दौरान रावण दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था। इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसी के साथ 10 दिनों तक मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा हंसी खुशी के साथ समाप्त हुआ। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है तो परेशान मत होइए,
आप तुरंत अपने बैंक को सूचित करिए। आप ये काम बैंक की शाखा, मोबाइल ऐप, फोन बैंकिंग नंबर या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। समय पर सूचना न देने पर बैंक नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना खोया हुआ कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं और आपको इसके सफल होने की पुष्टि मिलेगी। यदि आपको लगता है कि कार्ड चोरी हुआ है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवानी चाहिए। पुराने कार्ड को ब्लॉक करने के बाद आप नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें बैंक कुछ चार्ज ले सकता है। बिहार का प्रसिद्ध नागी नकटी पक्षी अभयारण्य अब डाक विभाग के माध्यम से देश भर में अपनी पहचान बनाएगा। बीते दिन इस अभयारण्य के प्रतीक का स्टाम्प जारी किया गया है। इसका शुभारंभ मुंगेर की डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार और अनुमंडल डाक पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने किया। बता दें, इस पहल से अब झाझा पोस्ट ऑफिस से भेजे जाने वाले सभी पत्रों पर नागी नकटी पक्षी अभयारण्य का प्रतीक अंकित होगा, जिससे यह अभयारण्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि इस स्टाम्प से अभयारण्य का नाम दूर दूर तक पहुंचेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय धरोहरों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन बीते 6 अक्टूबर 2024 से जारी है। ये योजना उन किसानों के लिए है जिनकी फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। किसान अपनी शिकायतों और आवेदन करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अपने संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। बता दें कि वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 प्रति हेक्टर, शाश्वत बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान की राशि। ये ध्यान देने योग्य है कि ये अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टर के लिए ही दिया जाएगा। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। बिहार के पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर और बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपना धमाल मचाने वाले हैं। बता दें कि हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन 15 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस महोत्सव में बिहार के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा और पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति से समा बांधेंगे। बता दें कि इस महोत्सव में लोकगीत और लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा, जहां जीतने वाले कलाकारों को वीडियो एल्बम में काम करने का मौका दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के 23 जिलों के अंचल कार्यालयों का निरीक्षण और समीक्षा करने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के लिए 9 अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जिनका मुख्य लक्ष्य कार्यालयों में आने वाली समस्याओं की पहचान कर त्वरित समाधान करना है। हाल के समय में अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश पर यह निरीक्षण किया जा रहा है। पहले चरण में पटना, गया और भागलपुर जैसे प्रमुख जिलों के अंचलों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज, भूमि हस्तांतरण और लंबित वादों का समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 486 स्कूलों के 589 शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी हाजिरी नहीं लगाई, जिसके चलते उनकी सैलरी रोक दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर से वेतन का भुगतान केवल ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही होगा। DEO ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करते तो उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में हाजिरी लगाते समय मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। अगर कोई शिक्षक बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया गया तो उनकी अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश से जोड़ दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के 4 प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो रेल सेवा के परिचालन को लेकर संभाव्यता अध्ययन शुरू कर दिया है। इस अध्ययन में एक विशेष एजेंसी ग्राउंड लेवल पर डेटा इकट्ठा कर रही है और शहरों के प्रमुख स्टेक होल्डर से उनकी राय भी ले जा रही है। सरकार का लक्ष्य ये जानना है कि क्या इन शहरों में मेट्रो सेवा की आवश्यकता है, और यदि है तो कौन से रूट इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे।
ये अध्ययन अगले कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद एजेंसी अपनी अनुशंसा पेश करेगी, जिससे ये तय होगा कि मेट्रो सेवा किस रूट पर शुरू की जाए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिन तक बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। खासकर दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों जैसे कि भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और मुंगेर जिलों में 16 और 17 अक्टूबर को छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। फिलहाल बिहार में मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीते दिन बेतिया जिले के पुरुषोत्तमपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घोड़ा सहन कैनाल के पास एक कार से नेपाल निर्मित कस्तूरी शराब की 1221 बोतलें बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 11 जूट के बोरे में रखी शराब को जब्त किया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और अब तस्करों की पहचान कर FIR दर्ज करने की तैयारी हो रही है। SP सूर्य सुमन ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि इस कार्रवाई से शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय रेलवे में सफर करते समय यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आप सेकेंड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि अगर आपने थर्ड AC का टिकट लिया है और सेकेंड AC में यात्रा करते हैं तो TT आप पर 250 का जुर्माना लगा सकता है और वापस उसी कोच में भेज सकता है जिसमें आपका टिकट है। अधिक सख्त नियमों के तहत यदि आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में सफर करते हैं तो TT आपको बीच में ही ट्रेन से उतार भी सकता है, या फिर वे आपको जिस स्टेशन पर पकड़ता है और वहां से ट्रेन चली थी वहां से लेकर आपसे बीच का किराया भी वसूल सकता है। ऐसे में यात्रियों को सही टिकट के साथ यात्रा करना जरूरी है। नालंदा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम मिला है, जहां सिलाव प्रखंड में एक नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मिलकर किया। इस अत्याधुनिक केंद्र में OPD सेवाओं से लेकर आपातकालीन चिकित्सा तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन समारोह में बताया कि इस केंद्र की कुछ कमियां पहले थी जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। बिहार के कटिहार से खबर है, जहां BJP के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम को कटिहार रेल SP डॉक्टर संजय भारती द्वारा सार्वजनिक स्थल पर थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो एक एडवोकेट ने शूट किया है। वीडियो में एडवोकेट ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप मजिस्ट्रेट हैं, क्या इस तरह का व्यवहार उचित है। वही इस वीडियो के वायरल होते ही BJP MLC अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन 5 दिशरत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर लिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि उन्हें फिर से DC बनने की कोई इच्छा नहीं है और उनके लिए बिहार का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि ये बंगला अब तक किसी भी उप मुख्यमंत्री के लिए लक्की साबित नहीं हुआ है, क्योंकि हर किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी के गृह प्रवेश के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं जिन पर उन्होंने जवाब दिया। तमिलनाडु में हुई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटना में 19 लोग घायल होने की घटना पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने PM मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री स्वयं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हैं तो रेलवे की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जिम्मेदारी भी उनकी है। मनोज झा ने यह भी कहा कि देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या भी कम नहीं हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि रेलवे की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के लिए कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को अस्पष्ट नकार दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्ममंथन करने के बजाय चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की स्थिति पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वे बार बार लॉन्चिंग पैड पर आते हैं लेकिन सफल ही नहीं हो पाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने 4 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन केवल 6 सीटों पर जीत हासिल की। धोनी का लुक हमेशा चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में उन्होंने अपने नए हेयर स्टाइल के साथ एक बार फिर फैंस को अचंभित कर दिया। हरे रंग के चश्मे में वे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने इस लुक की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस बार IPL में धोनी के लिए नियम भी बदले गए हैं। अब उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन किया जा सकेगा जिससे चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी पैसे की बचत होगी। धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और नए नियमों के अनुसार अब वे केवल 4 करोड़ रुपए में रिटेन किए जा सकेंगे। आपको धोनी का कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के दिन सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आज के दिन 2006 में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को नोबेल पुरस्कार मिला था। आज के दिन सन 2008 में रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए दी गई जमीन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। आज के दिन सन 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भगदड़ से 109 लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन सन 1948 में सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फतेह अली खान जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2004 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की अभिनेत्री निरूपा राय का निधन हो गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिन छात्रों की उपस्थिति इससे कम होगी उन्हें परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों की अटेंडेंस का सटीक रिकॉर्ड रखें जिसमें क्लास टीचर और स्कूल अधिकारियों के सिग्नेचर भी आवश्यक होंगे। इसके अलावा CBSE स्कूलों में औचक निरीक्षण कर अटेंडेंस की जाँच कर सकता है। अगर रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया तो स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है और छात्रों को परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। मॉनिटर की सफाई करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाइए। सबसे पहले मॉनिटर को बंद करें और पावर केबल को अनप्लग कर दें। इसके बाद मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि स्क्रीन पर खरोच नहीं आए। अगर धूल ज़्यादा जमी हो तो विशेष स्क्रीन क्लिंजर का उपयोग करें लेकिन इसे सीधे स्क्रीन पर न लगाएं। कपड़े पर स्प्रे करें। सफाई करते समय हल्के हाथ से गोल घुमाते हुए पोछें। अंत में मॉनिटर के किनारों और बेजल को भी साफ करना ना भूलें ताकि धूल और गंदगी हट सके। क्या आपको भी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से कॉल करके ये दावा किया जा रहा है कि फ़ोन के असामान्य व्यवहार के कारण आपका मोबाइल नंबर जो है जल्द ब्लॉक कर दिया जाएगा? बता दें कि TRAI के द्वारा ग्राहकों को नंबर डिस्कनेक्ट करने से संबंधित कॉल या मैसेज नहीं भेजा जाता है। ये कॉल फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। ऐसे कॉल अगर आपके पास आते हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास से होगा, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने सही कितना उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है अमरावती। इसका सही आंसर होगा मुंबई। हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किस जिले को मिली? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर होगा कैमूर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है IIT वाराणसी, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली और ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। इसका सही उत्तर होगा IIT दिल्ली। महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही उत्तर होगा बी बोधगया।
बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1937, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1921। इसका सही आंसर होगा 1937। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, विनय कुमार, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद इरफान, राजीव कुमार, खुशी शर्मा, रवि मोहन वर्मा, पी के पासवान, संजीव कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, रामनवमी माझी, पंकज कुमार दास, सादुल्ला पलवी, कुश कुमार यादव, परमिला कुमारी, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, विनय कुमार, कुमार कौशल सिंह, विद्यासागर, विनयराज, सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, इस साल की दुर्गा पूजा में क्या अलग था जो आपको पसंद आया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।